महाकाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज जात हूँ मैं महुआ बीने और महुआ का सीजन भी आ गया है और खेत में बहुत महुआ टप टप गिरत है। रात भर भोरे से गैया गोरुआ के देखत रहे कि कहीं महुआ खा न जाए, तब महुआ गिर गया है, धूप भी निकल गया है। जात हूँ वह बीने, तो सुबह हो गया है, अब महुआ गिर गया होगा, जा रहा हूँ महुआ बीनने और महुआ बीन के सुखाना पड़ता है। भोर में भी लगा हुआ था कि गैया हुआ ना खा जाए, तो अब थोड़ा धूप हो ही गई है। अब जाता हूँ महुआ बीनने, अब महुआ बीन के फिर आता हूँ आप लोगों से, फिर दूसरे ब्लॉक की ओर भी बनाना है, क्योंकि 20-22 दिनों से मैं ब्लॉक नहीं बना पाया क्योंकि हमारे पिताजी स्वर्गवास हो चुके थे, उसी काम में मैं इतना बिजी था। अब चलत हूँ महुआ बीने भाई, महुआ गिर गया है, यही रास्ता है। अब जात हूँ महुआ बीने और महुआ गिरे नहीं भी है, ये गिर गया है महुआ। ये कितना अच्छा दिखते महुआ, हो आओ गिरे, अभी आओ गिर ही, यही महुआ है, गिरन है, टप टिप गिरत रहता है। ये महुआ के पेड़ हवे, ये महुआ का पेड़ है, ये इस बार महुआ नहीं ज़्यादा लगे हैं, पानी और बर्फ वर्फ गिरे ना, यही चलते। ये महुआ गिरे है, ये देखिए कितना महुआ गिरा है, आगे लगाना पड़ता है कि महुआ पत्ता में छिप ना जाए, यही आगे लगाए हैं। महुआ से बहुत चीज बना था, महुआ जब नया नया महुआ होता है तो खाते भी हैं, इसको पीठा बना के आटा का गोला गोला करके और इसके बहुत कच्ची शराब बनाते हैं। हम लोग एक है सुखा के बेच देते हैं और गैया गोरुआ को भी देते हैं खाए के लाने। गिरे है तो बीने का तो पड़ ही ना, तो बीन देता हूँ। सारा गिरे है, ये पूरा महुआ गिर रहा, अभी आओ गिरेगा, जैसे जैसे धूप होई वैसे वैसे गिरेगा महुआ। महाकाल ब्लॉग देखने वाले लोगों को सभी को नमस्कार, महुआ बीन रहा हूँ। आप लोग अवश्य हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, आप ही लोग के लाइक और सब्सक्राइब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक तो लाइक आप लोग के लिए अवश्य बनता है, लाइक भी कर दीजिए। फिर अभी और बहुत सारा महुआ बीनना है, 2-3 घंटा लग जाएगा बीनने में। पड़ता है नहीं बीनेंगे तो क्या कर, खराब हो जाएगा, इसीलिए बीन के एक जगह सुखा देते हैं धूप में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है। एक लाइक तो महुआ के नाम पे बनता ही है, एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
यही जला देते हैं कि महुआ पत्ता में ना छिप जाए, यही सब जलाएं हैं। ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, मैं तब वो गिर जाता है, 20-30 किलो हो जाता है। कितना सुंदर अच्छा दिख रहा है महुआ, ये देखिए। दोस्तों अब मैं महुआ बीन चुका हूँ, अभी और गिर ही रहा, थोड़ी देर बाद और बीनूंगा, फिर मैं आप लोगों से अगले ब्लॉक में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कसम महुआ की एक लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अब महुआ बीन के आ गया, बहुत गर्मी लग रही है, धूप भी हो ही गया है, ये देखिए धूप निकल भी गया है। आप लोग को मैं दिखाऊंगा, धूप भी निकल गया, दिन भी बहुत ज़्यादा हो गई है, करीबन 10:30 बज चुके हैं। और महुआ बीनने में भाई भोर से ही उठना पड़ता है महुआ बीनने के लिए, क्योंकि अगर भोर में उठेंगे तो गाय बैल वगैरह उसको खा जाते हैं, उसके लिए महुआ के पास भोर से ही बैठना पड़ता है कि गैया गुरुआ ना खाए। और कुछ सांप, डर भी लगता है कहीं सांप ओप ना आ जाए, कहीं बिच्छी ना आ जाए, कि बड़ा सचेत होके हमें महुआ के आसपास रहना पड़ता है। जंगलों में लोग तो महुआ बीनते हैं तो वहाँ भी बहुत ही जंगली जानवरों से डर रहता है, तो महुआ बीनने में तो कठिनाइयाँ होती है। दोस्तों आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि महुआ का जो महुआ गिरता है, छोटा छोटा जो उसका जो फल गिरता है, उसका पीठा बनाकर खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। उसका पीठा बनेगा तो मैं आपको ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा कि इसका महुआ का पीठा कैसे बनता है। इसको दूध के साथ और शक्कर के साथ मिलाकर और इसमें आटा का गोला गोला या लंबा लंबा छोटा छोटा करके डाल दे देते हैं, और बहुत ही ये टेस्टी लगता है खाने में। और दोस्तों फिर मैं आपसे अगले ब्लॉक में मिलता हूँ, फिर दूसरे ब्लॉक की मैं तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 20-22 दिनों से ब्लॉक नहीं बनाया था, अभी मैं लगातार ही ब्लॉग बनाऊँगा। फिर चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय महाकाल।